और आज का टॉपिक हमारा पॉजिटिव वर्ब का है। पॉजिटिव वर्ब क्या होती है कि जब हम कर्ता का किसी कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कराते हैं, यानी जब सब्जेक्ट स्वयं न कार्य करके किसी अन्य व्यक्ति से अपना काम कराता है तो उसे पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। जब उसकी प्रेरणा भी देता है तो भी उसे पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। पॉजिटिव वर्ब क्या होती है? पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब जो कार्य आप स्वयं न करके किसी और व्यक्ति के द्वारा करें उसे प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। अभी नोट पे ध्यान रखना है कि अगर कोई वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो ऐसे वाक्य हमेशा मेक और कॉज से बनते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर कोई वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो वाक्य हमेशा मेक और कॉज से बनते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेक के बाद मुख्य क्रिया में टू नहीं रहता है, जबकि कॉज के बाद टू का प्रयोग होता है। अब जैसे संडे लिखा, उसने बच्चे को रुलाया, तो अगर इसको मेक के द्वारा बना तो रुलाया पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसलिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो ही मेड द चाइल्ड वीक। और अगर उस बात में कॉज का प्रयोग करें तो ही कॉज द चाइल्ड टू वीक। यानी यहाँ पर आपको टू का प्रयोग करना और यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करना। रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है? अगर वाक्य एक्टिव में ना होकर पैसिव वॉइस में हो तो आपको गेट या हैव का प्रयोग करना है, गेट या हैव का प्रयोग करना है, और मुख्य क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। कैसे? जैसे मैंने एक पत्र लिखवाया तो आई गेट द सेकंड फॉर्म गॉट ए लेटर रिटन, अभी यहाँ थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल लगे। उसी तरह अगर हैड के द्वारा तो आई हैड ए लेटर रिटन। यानी शॉर्ट कट में आपको समझना है पॉजिटिव वर्ब यानी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया अगर वाक्य एक्टिव है तो मेक और कॉज का प्रयोग करना है, मेक वाले वाक्य में टू नहीं लगता, कॉज वाले वाक्य में ऑब्जेक्टिव वर्ब टू का प्रयोग करना होता है। और अगर वाक्य पैसिव है तो आपको करना क्या है कि फिर आपको गेट या हैव का प्रयोग करके उस वाक्य को पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके उसे परिवर्तित करना है।